मैं कहूंगा कि ये दुआ जो है जितने भी कपल्स हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिएगा। और मैं कहूंगा कि फजर और असर और इशा के बाद 11-11 मरतबा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जहां पर भी हों जनमाज पर बैठकर इसके तर्जमे को पेश नजर रखकर ये दुआ मांगे। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत से इलाज से मायूस हो चुके हैं। मैंने आपको बताया, ये मुजर्रब है, मैंने जिसको भी बताया ना 95% अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद अता फरमाई। 10-10, 15-15 साल हो गए औलाद नहीं थी और औलाद अता फरमाई। मुझे कई लोगों ने मैसेज किए कि मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुशखबरी अता फरमा दी। ये दुआ आप सब लिख लें, स्क्रीन पर भी आ रही होगी, इसकी तस्वीर भी ले लीजिएगा, फोटो भी ले लीजिएगा और मेरे साथ मिलकर इस दुआ को दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। के ए मेरे रब, ए मेरे रब, तू अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता फरमा। दुआ को सुनने वाला तो कोई और नहीं है ना, तू ही दुआ सुनने वाला है।